अगर आपको सीट नहीं मिलती बिट्स में या फिर जेई मेन्स के थ्रू किसी एनआईटी में जस्ट बिकॉज कि थोड़ा पैटर्न में चेंज हो गया या फिर डिफिकल्टी लेवल हाई हो गया या फिर कट ऑफ इंक्रीज हो गए हमारे, सो इन दैट केस हमारे पास एक ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है. तो इन दैट केस अगर आपकी ऐसी सिचुएशन, आपको लगता है आपको अंदर से वो फील नहीं आ रही कि यार मैं क्रैक कर सकता हूँ, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंबर सक्सेना एंड आप देख रहे हैं सक्सेस इन्फिनिटी. तो यार गाइस, आज हम लोग दो मेन कन्फ्यूजन्स को टच करने वाले हैं. वो दो कन्फ्यूजन्स यार ये हैं दैट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारा SRM कॉलेज है, VIT है, थापड़ यूनिवर्सिटी है एंड सम अदर्स, जिनका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड दे आर टू बिगिन द सेमेस्टर्स फ्रॉम अराउंड मिड ऑफ ऑगस्ट, इन सम केसेज इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ऑगस्ट. तो क्या हमें इनमें, इन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेना चाहिए और शुड वी वेट फॉर जेई मेन्स टू हैपन, शुड वी वेट फॉर एग्जाम्स लाइक BITSAT टू हैपन, और हमें वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करके उन अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने का ट्राई करना चाहिए. ये यार एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है. कन्फ्यूजन इसलिए भी है बिकॉज दिस ईयर कोरोना के कारण यार हमें कुछ नहीं पता, एवरीथिंग इज गोना बी हाईली अनसर्टन. किस तरीके से पेपर सेटअप होगा, क्या पेपर ज़्यादा टफ आएगा, क्या कट ऑफ हमारी इंक्रीज होने वाली हैं रिलेटिव टू द प्रीवियस ईयर लेवल्स, कैसे रैंकिंग्स आएंगी, क्या चीज़ें होंगी, क्या 12th मार्क्स के बेस पर एडमिशन हो सकता है, एवरीथिंग इज क्वाइट अनसर्टन. तो क्या हमें रिस्क लेनी चाहिए ऑफ नॉट टेकिंग एडमिशन इन दीज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एंड गोइंग फॉर एन अटेम्प्ट इन जेई मेन्स, BITSAT एंड अदर सच एग्जाम्स. आज हम यार इस बारे में बात करने वाले हैं. आई कैन एंश्योर यू दैट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड गेट अ कॉन्क्रीट कंक्लूजन, अ सॉल्यूशन टू दिस कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम. ठीक है, तो यार मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड and let's get started. Okay, so guys, basically we are going to adopt a strategy here जो आपने सुनी भी होगी, but we are going to practically apply it here. इसका यार मैं एक word में, एक line में अगर आपको नाम बताऊँ तो this strategy is called aim for the best but be prepared for the worst. ठीक है, aim for the best मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अगर आप colleges में admission ले भी रहे हो तो आपको जेई मेन्स के लिए पढ़ना छोड़ देना है. मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, स्टेटमेंट जो मैंने आपको दिया है उसका. एम फॉर द बेस्ट मतलब चाहे आप इन एडमिशंस को ले रहे हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में या फिर आप नहीं ले रहे, इन बोथ द केसेस यू हैव टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर जेई मेन्स एग्जाम विच इज गोइंग टू बी हैपन एज ऑफ नाउ फ्रॉम 1st of September 2020. ठीक है, पहली बात तो ये. दूसरी बात, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. जो वर्स्ट चीज़ है उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है. प्रिपेयर कैसे रहेंगे हम, एडमिशंस लेके. अब मैं इसको आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ, थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ. देखो, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं अगर आप जाओगे इनकी साइट पे तो आपको एक चीज मिलेगी एडमिशंस के कॉलम में मोस्ट प्रोबेबली, जिसको कहते हैं हम लोग रिफंड पॉलिसी, राइट. तो रिफंड पॉलिसी बेसिकली लिस्ट डाउन करती है वो सारी चीजें जिसके बेसिस पे आपको रिफंड मिलेगा आपकी फीस का. फॉर एग्जाम्पल मैंने VIT का थोड़ा सा सर्च करा था तो फॉर द लास्ट सेशन 2019-20 मुझे ये पिक मिली है जो कि आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन्स. तो ये रिफंड पॉलिसी बेसिकली आपको ये बताएगी कि आप कौन सी डेट के पहले या कौन सी डेट के बाद में अगर फीस को रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कितना परसेंट डिडक्ट होकर फीस मिल जाएगी. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको रिफंड पॉलिसी मिलती है, विच मेक्स इट अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरी ओपिनियन में आपको बताता हूँ. अगर मैं आपकी जगह होता, सो वॉट हैड आई डन वॉज दैट, मैं इनमें से किसी में एडमिशन ले लेता. अगर आपको बहुत अच्छी ब्रांच मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थापड़ में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, आपको VIT में, आपको SRM में, किसी भी और कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है, देन द बेस्ट थिंग वुड बी टू जस्ट टेक दैट ब्रांच, जस्ट टेक दैट कॉलेज. उससे क्या होगा, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट थिंग. वर्स्ट थिंग क्या हो सकती है, हो सकता है हमारा जेई मेन्स कैंसिल हो जाए, इट इज डिक्लेयर्ड अ जीरो ईयर, हो सकता है NITs, IITs में एडमिशन इस बार हुई नहीं, कुछ भी हो सकता है, वी डू नॉट नो एनीथिंग. मैंने एक वीडियो बनाई थी यार 10 जून को कि जेई मेन्स एंड अदर एग्जाम्स माइट गेट कैंसिल्ड, वहां पे लोग बोल रहे थे कि कैंसिल तो हो ही नहीं सकता, वी आर जस्ट एमिंग फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ दीज एग्जाम्स. बट हमने देखा है कि यार कैंसिल हुए हैं एग्जाम, VIT, SRM, MIT एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, सो वी डू नॉट नो वॉट इज गोना कम इन द फ्यूचर. तो यार वर्स्ट केस एक तो ये है कि यार हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो जाए, जीरो ही डिक्लेयर हो जाए. एक वर्स्ट केस ये है कि क्लास 12th के जो मार्क्स उनको काफी ज्यादा वेटेज दे दिया जाए
ऐसा भी हो सकता है कि बिटसेट में आपका जेई मेंस के बेसिस पे ले लिया जाए या वापस वही क्लास 12th के मार्क्स को काफी ज्यादा वेटेज दे दिया जाए, जिसके कारण आप जितना डिजर्व करते थे आपको जो ब्रांच मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली। सो दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो अगर आपको वो नहीं मिलता, अगर आपको सीट नहीं मिलती बिट्स में या फिर जेई मेंस के थ्रू किसी एनआईटी में जस्ट बिकॉज की थोड़ा पैटर्न में चेंज हो गया या फिर डिफिकल्टी लेवल हाई हो गया या फिर कट ऑफ इंक्रीज हो गए हमारे, सो इन दैट केस हमारे पास एक ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ दीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, थापड़, SRM, VIT, जो भी आपको मिल रहा है विद अ गुड ब्रांच, जहां पर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं हमारा सेमेस्टर, राइट? तो यार ये हमारा वर्स्ट पॉसिबल केस है कि अगर हमें नहीं मिलता ये सब तो हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं और ये चीज हमारे हाथ में अभी भी रहेगी। जब हम इसमें एडमिशन ले लेंगे तो एक चीज ये भी है कि हमारे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि देखो कॉलेज में तो मैंने एडमिशन ले लिया, दिस इज अ काइंड ऑफ बोनस टू मी। अगर मैं इसमें अच्छा परफॉर्म करता हूं, अगर मैं जेई मेंस फोड़ता हूं, अगर मैं बिटसेट को फोड़ देता हूं, तो मैं और अच्छे कॉलेज में जा सकता हूं और मेरे ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज में हूं। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो मुझे ड्रॉप ही लेना पड़ रहा है, आई हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन दैट कॉलेज। तो ये हो गया हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो की बात करें तो अगर आपको अच्छी रैंक आती है, आपकी अच्छी रैंक आ गई, आपका बिटसेट में अच्छा स्कोर आ गया, आप बिट्स पिलाने में आ रहे हो, आप NITs में, आप IITs में जा रहे हो, तो भी यार उससे अच्छा तो देखो कुछ हो नहीं सकता। बट वहां पर हमने जो एडमिशन ले रखा था हम उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम वहां से वापस बाहर आ सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस के बीच में कर देते हो रिफंड के लिए अप्लाई तो बहुत मिनिमम सा अमाउंट कटता है, बट स्टिल अगर आपने आपकी फॉर एग्जाम्पल क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं, अब 15 दिन बाद या 20 दिन बाद फॉर एग्जाम्पल किसी किसी कॉलेज में आप एक दो महीने बाद भी जब अप्लाई करोगे रिफंड के लिए तो आपको मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द फीस 70-80% फीस आपको मिल जाएगी, राइट? सो अगर मैं आपकी सिचुएशन होता, इफ आई वर इन योर सिचुएशन, तो यार मैं यही करता कि अगर आपको कुछ कॉलेज मिल रहा है, अच्छी ब्रांच के साथ मिल रहा है, तो यार आप अभी उसको मत छोड़िए, आप उसको ले सकते हैं, इनफैक्ट आप ले लीजिए। साथ साथ में जेई मेंस बिटसेट वगैरह की प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल हार्ड कोर प्रिपरेशन करिए, बिना किसी टेंशन के करिए। अगर हमारी रैंक आती है बहुत अच्छी बात है, रिफंड के लिए अप्लाई करो, यहां से रिफंड लो, वहां पर जाके एडमिशन लो। अगर हमारी रैंक अच्छी नहीं आती है देन यू कैन कंटिन्यू स्टडींग इन दीज यूनिवर्सिटीज। अब जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो इट्स टोटली अपॉन यू कि आप पार्शल ड्रॉप ले सकते हैं कि वहां पे आपका फर्स्ट ईयर भी हो रहा है, साथ साथ में आप नेक्स्ट सेशन के लिए 2021 के लिए जेई मेंस बिटसेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट एक चीज ये है यार कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसको बीट करने का आई थिंक दिस इज द मोस्ट जुडिशियल एंड द वाइजेस्ट वे आउट हियर। ओके, अब ये आपके ऊपर है, आप एक फैक्टर और देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, सबको यार अंदर से पता रहता है कि मैं किस लेवल पे परफॉर्म कर सकता हूँ। हो सकता है आप जेई मेंस के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो बट आपको लग रहा है कि यार मैं उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाता, तो यार मैं कैसे लाऊंगा नंबर। तो इन दैट केस अगर आपकी ऐसी सिचुएशन, आपको लगता है आपको अंदर से वो फील नहीं आ रही कि यार मैं क्रैक कर सकता हूँ एंड फील नहीं आ रही बेस्ड अपॉन योर मार्क्स, बेस्ड अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, बेस्ड अपॉन योर स्टडी रूटीन दीज डेज, तो आप डेफिनेटली इन कॉलेजेस में एडमिशन लो, ये मौका आप मत छोड़ो अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज अच्छी ब्रांच के साथ मिल रहा है तो। ऑन द अदर हैंड अगर आपको लगता है कि यार मैं ला सकता हूँ, मेरी प्रिपरेशन में दम है, मैं स्टडीज कर रहा हूँ, मैं रूटीन में डिसिप्लिन में अभी भी पढ़ रहा हूँ ढंग से और मेरी प्रिपरेशन में दम है, मैं रैंक लाया हूँ और लाऊंगा अभी भी, तो भी टू बी ऑन द सेफर साइड to deal with the worst case scenario if that happens unfortunately, जो कि नहीं होना चाहिए, I would wish that such a thing should not happen, but still अगर हो जाता है तो हमारे पास कोई कॉलेज रहे इसलिए आप एडमिशन ले सकते हो, and at the same time keep on doing your 100% efforts and hard work to crack JEE Mains, JEE Advanced and BITSAT, ठीक है? तो I hope आपको यार समझ में आ गया होगा कि यार confusion का solution क्या है। मैं आपको conclusion में बस यही बोलूँगा कि admission ले लीजिए, जो भी आपको मिल रहा है बेस्ट चीज़ जो आपको मिल रहा है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज़ का यार आप ध्यान रखना, जो रिफंड पॉलिसी है वो हो सकता है कि इस बार थोड़ी सी अल्टर हो जाए, थोड़ी सी चेंज हो जाए ड्यू टू ऑल दी सर्कमस्टेंसेस। तो एक बार आप प्लीज़ कंफर्म जरूर कर लेना कोई भी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हो उनसे कि क्या रिफंड पॉलिसी रहने वाली है, क्योंकि यार बेसिकली हर साल ये थोड़ी रिवाइज भी होती रहती। तो एक बार आप इनसे कंफर्म कर लो, एडमिशन ले लीजिए, जेई मेंस बिटसेट जो एग्जाम्स आप देने वाले हैं, कॉमेट के भी है जैसे हमारा, इन सब की प्रिपरेशन आप स्टार्ट रखिए, कंटिन्यू रखिए, फोड़ के आइए। अगर आपका हो जाता है तो बहुत बढ़िया, फिर यहाँ से रिफंड लेके हम उन कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी टिप अच्छी लगी, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, मैं जानना चाहूंगा, तो कमेंट जरूर करना। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कन्फ्यूज हैं
इसी चीज में कि यार हमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर हमें छोड़ देना चाहिए फॉर जेई मेंस एंड बिटसेट एंड जेई एडवांस अदर एग्जाम्स, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद, वंदे मातरम।